आखिर क्यों मनाई जाती है होलिका दहन? होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी कि पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रह्लाद विष्णु की भक्ति करता रहा। दैत्य पुत्र होने के बावजूद नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्रह्लाद महान नारायण भक्त बना। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, परंतु भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर की एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकते थे। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रह्लाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देवयोग से वह चादर उड़कर प्रह्लाद के ऊपर आ गई जिससे प्रह्लाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इस प्रकार हिंदुओं के कई अन्य पर्व की भांति होलिका दहन भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है।